हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, ऑटोमन साम्राज्य के बारे में किसे नहीं मालूम। आज हम आपको इस ऑटोमन साम्राज्य के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे एक नौकर ने राजा की पत्नियों के साथ रातें रंगीन की। हम आपको बताएंगे कैसे एक नौकर ने राजा की पत्नियों को अपनी बाहों में भरकर रात भर सिर्फ प्यार किया और राजा इतना पागल था कि उसे कुछ नहीं पता चला। दोस्तों, ये कहानी है बेलेर की और उसके नौकर सेलेबी की। ऑटोमन साम्राज्य में यहाँ की लड़कियों को बहुत परेशान किया जाता था। रात दिन उनके साथ पुरुष सिर्फ रातें रंगीन करते थे। यहाँ की महिलाएं बहुत ही अलग किस्म की होती थी। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता था, इन्हें भी बस प्यार चाहिए होता था। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे सेलेब ने बेलेर की रानियों के साथ रातें रंगीन की, एक नौकर ने राजा के नाक के नीचे कैसे ये सब कुछ कर लिया। कहा जाता है कि सेलेब को बेलेर ने एक महल में रखवाले के तौर पर भेजा कि तुम यहाँ का कामकाज देखो। बस फिर क्या था, वो नौकर समझ गया कि बेलेर इस महल में ज्यादा दिन नहीं आएगा और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़कर जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद हुआ ना क्या था, सेलेब ने एक एक करके बेलेर की रखेलों को अपनाना शुरू किया। जितनी तेजी से राजा की रखेलें थी, उसको पता था कि बेलेर बूढ़ा हो गया है और उसके बस की बात नहीं है हम जैसे जवान लड़कियों को खुश करना। आपको बताते हैं, बेलेर जब भी किसी लड़की के साथ रातें रंगीन करने के लिए जाता, वो बहुत जल्दी थक जाता। ये लड़कियां आपस में बातें करती हैं कि राजा के पास ताकत नहीं है हमें खुश करने की। सेलेब ने सारी बातें सुन ली। सेलेब जवान था और बहुत अच्छा दिखता था। उसे समझ आ गया कि इस राजा का बैंड बज गया है और अब इसकी रानियों को खुश करना मेरा काम है। उसने एक रात लड़कियों कमरे को खटखटाया। जैसे ही लड़कियों ने गेट खोला, सेलेब बोला कि मैं यहाँ सामान ढूंढने आया हूँ। दोस्तों, होना क्या था, लड़कियाँ जवान थी, रात के अंधेरे में काफ़ी कुछ वहाँ पर हो गया। आपको बता दूं, एक लड़की ने कहा कि जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो कुछ लेकर भी जाओ। उसके बाद सेलेब ने कई सारी लड़कियों के साथ काफ़ी मज़े किए, उनको खूब तरह से प्यार किया। दोस्तों, आपको बता दें कि यही एक रानी को बात पता चल गई। अब सेलेब को लगा कि उसे सजा दी जाएगी, लेकिन आपको बता दें रानी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और बोला कि मैं राजा को सब कुछ बता दूंगी। सेलेब रोने लगा और बोला कि मुझे माफ़ कर दो। रानी ने कहा, ठीक है, लेकिन बदले मुझे क्या मिलेगा? सेलेब ने कहा कि आप तो रानी हैं, मैं तो आपके हुक्म को पूरा करूँगा। इतने में रानी ने कहा कि तुम जैसे नौकर दे सकते हैं, वो राजा भी नहीं दे पाएंगे। रानी ने सेलेब को उठाया और कहा कि मेरे पास आ जाओ, और फिर सब कुछ वहाँ पर होने लगा। सेलेब ने अपना टैलेंट दिखाया, रानी को रात भर जगा के रखा और फिर रानी काफ़ी खुश हो गई। आपको बता दूं, इस तरह से रोज़ रोज़ सेलेब कई सारी रानियों के साथ रातें रंगीन करने जाता, उन्हें खूब प्यार करता और रात भर जगाता। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सब रानी सेलेब की तारीफ करती थी, सेलेब के बारे में राजा से अच्छी बातें करती। सेलेब ने कई सारी रानियों और रखेलों के साथ जिस्मानी संबंध बनाए, रात को खूब मजे करता। अब हम आपको बताते हैं राजा सुलेमान के बारे में, जो कि बहुत ही अलग किस्म का राजा था और कई लड़कियों के साथ उसने रातें रंगीन की थी। सुलेमान 16वीं शताब्दी में यूरोप का प्रमुख सम्राट बन गया था। वो तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के शीर्ष पर पहुंच गया था। सुलेमान की दो पत्नियां थीं। हरम में उसकी सेवा के लिए कई औरतें रखी होती थीं। सुलेमान की दूसरी पत्नी हुरम सुल्तान हरम से ही सुलेमान के करीब आई थीं, लेकिन ये खुशनसीबी हरम की दूसरी औरतों को नहीं मिल पाई। हरम में संबंध बनाने से पहले और बाद में कई कठोर नियमों का पालन होता था, औरतों के लिए अनिवार्य था। ऐसे करने के पीछे मकसद था सुलेमान के उत्तराधिकारियों की संख्या को सीमित करना। इसलिए 16वीं शताब्दी में, जब कॉन्डोम या गर्भ निरोधक गोलियां नहीं थी, हरम की औरतों को गर्भ रोकने के लिए एसिडक का इस्तेमाल करना पड़ता था। हरम की औरतों को काफ़ी साफ सफाई से रहना पड़ता था और एसिड का इस्तेमाल करना होता था। औरतें नींबू, संतरा या फिर अनार रस के साथ में साफ सफाई करके सिरके का इस्तेमाल करती थीं। ये एसिड स्पर्म को मारने का काम करता था। यही नहीं, हरम की औरतों के गर्भ को रोकने के लिए जड़ी बूटियों का सहारा लिया जाता था। इस काढ़े में पुदीना, क्रोक्सिया, हॉस्टेल और वर्मवुड का इस्तेमाल होता था, ताकि गर्भ ठहर भी गया तो गर्भपात हो जाए। औरतों को हरम में सुल्तान से मिलने से पहले बहुत तैयारियां करनी पड़ती थीं। गर्भ से बचने के लिए जैतून और देवदार के तेल का इस्तेमाल होता था। यही नहीं, हरम से वापस आने के बाद औरतों को शहद, गोभी या अनार के रस से भीगे कपड़ों को रखना पड़ता था, ताकि कि स्पर्म खत्म हो जाए। ऑटोमन साम्राज्य एक तुर्की साम्राज्य था, जिसे उस्मानी साम्राज्य को कहा जाता है। इसकी स्थापना उस्मान गाजी ने की थी। हालांकि इसके बाद कई और सुल्तानों का शासन रहा, मगर वर्ष 1266 में इस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक हुआ। उस्मान गाजी ऑटोमन साम्राज्य के पहले सुल्तान और संस्थापक थे। इनका शासनकाल 6 सदियों तक रहा। कहा जाता है कि उनका शासनकाल लगभग 1258 से 1326 तक रहा। बता दें, उनके वालिद का नाम अर्तुगरुल गाजी था, उनकी वालिदा का नाम हलीमा था। इतिहास के अनुसार राजवंश के नाम और उनके साम्राज्य की स्थापना दोनों इनके नाम अरबी से हुई। और खान गाजी
ओरखान गाजी ऑटोमन साम्राज्य के दूसरे और सबसे शक्तिशाली सुल्तान थे, जिसने 1324 से 1362 तक तुर्की पर शासन किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर पश्चिम अनातोलिया पर भी कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है कि इनके दौर में प्रजा काफी खुश थी और इस दौरान मुस्लिम सल्तनत को भी बढ़ावा मिलता था। मुराद सुल्तान। मुराद सुल्तान को मुराद प्रथम भी कहा जाता है, जो उस्मान साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उन्होंने 362 से 1389 तक शासन किया। इतिहास के अनुसार मुराद सुल्तान और खान प्रथम और वालिदा नीलोफर खातून के बेटे थे। इनके शासनकाल में उस्मान साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। बताया जाता है उन्होंने बाजंतीनी शहर आंद्रियोनोपोल पर फतह हासिल की, इसका नाम बदलकर आदरना रखा। इन सुल्तानों के अलावा वायजीद प्रथम, महमूद प्रथम, मुराद द्वितीय, महमद द्वितीय आदि भी सुल्तान रहे हैं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता का जिसका स्वर्णकाल 16वीं शताब्दी तक अपनी बुलंदियां छू रहा था। इस समय इतनी घटनाएं हुई कि ये एक इतिहास में शामिल हो गया। ऐसे कई खतरनाक ट्रेंड जो कि इस सभ्यता में पहली बार देखने को मिलते हैं। ऑटोमन साम्राज्य का उदय वर्ष 1266 में हुआ। इसे तुर्क साम्राज्य या उस्मानिया सल्तनत भी कहा जाता है। उस्मानिया सल्तनत कई सदियों तक कायम रहने वाली एक बड़ी सल्तनत थी। इस साम्राज्य ने लगभग 700 साल तक राज किया और अपनी शीर्ष अवस्था तक इस साम्राज्य का विस्तार लगभग 58 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था। इस सभ्यता का एक संबंध भारत से भी है। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसने इस्लाम को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाने में और भारत में मुगल सल्तनत की नींव को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑटोमन सभ्यता का उदय वर्ष 1266 में हुआ और इसके बाद साल 1922 तक इसका अस्तित्व रहा। इसके इतने वर्षों तक मौजूद रहने के कारण इसके इतना प्रचलित होने का एक बड़ा कारण है। ऑटोमन साम्राज्य को शक्ति, स्थिरता और धन के साथ खड़ा किया गया था। इसके शासक सुलेमान ने सभी के लिए समान प्रणाली बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने कला और साहित्य के विभिन्न रूपों को भी अपनाया था। ऑटोमन सभ्यता का पतन। वर्ष 1600 के दशक की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोप में फिर से आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व कायम करना आरंभ कर दिया। ये वो दौर था जब यूरोप औद्योगिक क्रांति के साथ तेजी से बहुत मजबूत होने लगा, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य अमेरिका और भारत के व्यापार के मुकाबला करने में कमजोर पड़ने लगा। अंत में वर्ष 1683 में युआना के साथ लड़ाई में तुर्क हार गए और यही हार उनके पतन का एक प्रमुख कारण बनी। इसके बाद साल 1922 आते आते ऑटोमन साम्राज्य की प्रशासनिक शिथिलता, अक्षमताओं की वजह से संपूर्ण साम्राज्य की कृषि, उद्योग धंधे और व्यापारिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। इसका प्रभाव दूसरे उद्योग धंधों पर भी पड़ गया और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी सल्तनत की कार्य क्षमता घट गई। इसकी वजह से इसका एक बड़ा हिस्सा यूरोप के अधीन हो गया। इन सब का परिणाम यह हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता चला गया और प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका अंत हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। देखने के लिए शुक्रिया।